रायगढ़ जिला इन दिनों गौवंश तस्करों के लिए स्वर्ग बनता जा रहा है। प्रति सप्ताह रायगढ़ जिले के कई सारे जगहों से हजारों की संख्या में गौवंश झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के लिए जंगल के रास्तों से तस्कर पार करते हैं। इसके लिए गायों के एक दिन में 50 किलोमीटर तक पैदल जंगल मार्गों में चलाया जाता है। प्रति माह सैकड़ों पिकअप और माजदा ट्रक में गाय बैलों के पैरों को बांध करके भूचड़ खाना भेजा जाता है, किंतु स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन इक्का दुक्का कार्रवाई को छोड़कर इन गौवंश तस्करों के रसूख के आगे नतमस्तक नजर आते हैं। ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसे ग्रामीणों ने दबोचा है। खरसिया थाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 मई को कॉल करके सूचना मिली थी। बरवाना हाई स्कूल के सामने मैदान में एक पिकअप में अवैध रूप से मवेशी गाय बैल को बांधकर क्रूरतापूर्वक रांची भूचड़ खाना ले जाया जा रहा है। मौके पर पहुंचकर वाहन को रोककर चेक किया गया, जिसमें गाय और बैल विभिन्न रंगों से बांधे हुए मिले। वहीं मौके से आरोपी और ड्राइवर फरार हो चुके थे। दस्तक टीवी के लिए रायगढ़ से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।